अभी तो जो वर्तमान में है अभी तो बढ़ाव पे है, और जो आखिरी सोमवार था उस दिन से बढ़ाव चालू हुआ है, अभी तक बढ़ती जा रही है। इन 3-4 दिनों में 7-7.5 फुट पानी बढ़ा है, पहले से गंगा की स्पीड और बढ़ती जा रही है बढ़ाव पे। तो जब पानी बढ़ता होगा तो किस तरीके की दिक्कत होती है आपको? दिक्कत तो इतना होती है कि हम लोग तो बेरोजगार हो जाते हैं, पूरी रोजगार एकदम खत्म हो जाती है। सब जितनी दुकान की सामान है, जो माला फूल वाले, पान वाले, नाव है, सब सब एकदम ऊपर चले जाते हैं रोड पे। तो कैसे परिवार कैसे चलता है? परिवार तो गंगा माँ चलाती हैं जो है कि। कोई और मेहनत मजदूरी? मेहनत मजदूरी सब रोड पे जो है कि मेहनत मजदूरी करते हैं, नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा मेरा। रिक्शा उक्शा भी चलाना पड़ता है? नहीं, रिक्शा नहीं चलाते हैं, अब जरूरत पड़ता है तो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। बाढ़ की स्थिति में इस समय बहुत ज़्यादा, जैसे मंदिर यहाँ पे बाबा मशाननाथ का है, आरती स्थल है, काशी मुख सेनानी सेवा समिति का है, ये आरती स्थल भी डूब गया है। हम लोग डोमराजा परिवार से हैं, हम लोग यहाँ डेड बॉडी जलाते हैं। डेड बॉडी जलाने के बाद जैसे सीढ़िया पे इस समय डेड बॉडी जलाई जा रहे हैं, डेड बॉडी जलाने के बाद अगर इसी तरह से बाढ़ प्रभावित रहेगा तो हम लोग गली के अंदर डेड बॉडी जलाएंगे, और उसमें वो का नाम है, दूर दराज से जो डेड बॉडी आना रहता है वो कम हो जाता है, उसी में हम लोग रोजी रोटी बदले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कैसे खर्च चलता है? 8 महीना कमाते हैं, 4 महीना हम लोग बैठ के खाते हैं, क्या करेंगे बाकी। लेकिन ये तो संभव नहीं है, परेशानी तो होती है। परेशानी तो होती रहेगी सर, जितना रहता है रोटी उसी में खा के संतुष्ट कर लेते हैं। काफ़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो घाट पे घूमना चाहते हैं और यहाँ पे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको देखना समझना चाहते हैं, लेकिन पानी बढ़ जाने की वजह से वो घाट पे घूम नहीं पा रहे हैं और वो देख भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस वजह से टूरिस्ट इस समय बहुत कम है। जी इनकम तो नहीं हो पाती है, लेकिन जो हम लोगों ने कमाया बचाया है रखा है उसी से खर्च चलाते हैं। फिर भी परिवार चलाने में दिक्कत तो होती है? दिक्कत तो होती है सर, लेकिन समाव मैनेज करना पड़ता है उसको। भाई के लाए उल्लू उल्लू अंका सब समझ नहीं।